हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्या है कि सीएनसी के नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये सीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है या सीएनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है। प्रोग्राम जब भी आप बनाते हो तो आपके प्रोग्राम के आपका प्रोग्राम किस बेस पे बनेगा वो बेस यही है सारा। जो आप डीपली जब रूट की बात करते हैं रूट ऑफ प्रोग्रामिंग यही है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट एक्सिस। एक्सिस क्या होती है सीएनसी मशीन के अंदर, दो एक्सिस होती है, एक्स और जेड एक्सिस। ये क्या है, ये आपके वर्टिकल एक्सिस हो गई, इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये वाली हो गई हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। अब क्या है कि इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हमने क्या दो एक्सिस के लिए आपके ये जो बीच में बना हुआ है इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहां पे x भी 0 होता है और z भी 0 होता है। यहां पे जो प्लस है सारी वैल्यूज किसके अंदर आएगी, प्लस में। यहां पे माइनस है तो सारी माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस क्या होती है, इसमें कुछ डेफिनेशंस आएगी जो क्या है आपको इंटरव्यू के अंदर जब भी जाते हैं, चाहे वो आपको सुपरवाइजर के लिए जाओ या आप शिफ्ट इंजीनियर के लिए जाओ, आप ऑपरेटर के लिए जाओ, किसी भी पोस्ट के लिए आप जाते हो, तो उसके अंदर आपको इसके बारे में पूछा था डेफिनेशंस के बारे में। तो आपको उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने से आपके काम हो जाएगा पूरा। तो इसके अंदर जो एक्सिस क्या होती है, एक्स एंड जेड आर एक्सिस, एक्स और जेड इसकी एक्सिस होगी। वेयर एक्स इज वर्टिकल एक्सिस एंड जेड इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। प्लेन क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, दो एक्सिस से कंसिस्ट होके एक प्लेन बनता है हमारा, ये प्लेन ही हमारा पूरा। कोई भी इस पे पॉइंट बनाएंगे तो प्लेन के ऊपर ही बनेगा वो, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे एक्स भी 0 और जेड भी 0, यहां पे जो ओरिजिन पॉइंट यहां पे एक्स भी 0 और जेड भी 0 है। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप, बोथ एक्सिस वैल्यू आर, एक्सिस वैल्यू आर 0, यानी जहां पे दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या हो 0, वो आपके ओरिजिन पॉइंट होता है। यहां पे x और z दोनों 0 होगा। अब देखो क्या है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑफ ए प्लेन, यानी किसी भी प्लेन के पॉइंट पर एक्सिस की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और इसके अंदर हम आपको बताते हैं कैसे क्या है, एक पॉइंट बना देते हैं कोई भी, कि आपके एक पॉइंट लिया हमने, ये ए पॉइंट इसको यहां मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, पहले x आता है उसके बाद z आता है, देखो x कितना है 1, ये 1 हो गया, z कितना है -1, तो ये दोनों एक्सिस हो गई, ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, ये इसके z के हो गए। यहां पे आप कोई पॉइंट कहीं भी बनाओ पूरे प्लेन पे, पॉइंट आप यहां बना दो, चाहे यहां बना सकते हो, इसे इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, देखो x से मिला हुआ है पूरा, इसको b पॉइंट दे दो, यहां पे x पे तो x1 दे दो और यहां पे 3 है, ये x की वैल्यू है z की वैल्यू। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था फ्रेंड्स। इसके बाद इतनी वीडियो जो है आपके ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से सही है और ये एकदम हम बेस्ट लेके चल रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ के नहीं चल रहे हैं, सारी चीज इसके अंदर क्लियर करते चलेंगे शुरू से। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप के हैं, ये वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ताकि हम आगे जो भी हम वीडियो बनाएं तो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।